चलो जी 10 रुपए सवारी हल्का हो भारी, 10 रुपए सवारी हल्का हो भारी, 10 रुपए सवारी हल्का हो भारी। लेंडे का कंडा क्यों रहेगा ऊपर? अरे जो आपने जोनी मामू है ना, जोनी मामू, हाँ, उन्होंने जो अपनी बीच की टांग इसका कंधे पर रख दी। जमीन से लग रहा है ये? हाँ। इसका टूट गया बीच की टांग से। भाऊ तुम एक बड़े आदमी बनोगे, एक दिन मैंने देखा था तुमको। Thank हमें भी you. अपने साथ रख लो, हमें भी पैसा कमाना है। तेरे को कितने रुपए कमाने का रे? 10 लाख। बस 10 लाख? बस 10 लाख? बस 10 लाख? तुम अपने सुअर को डाल के आया हूँ अभी, चल जा मेरी मजदूरी के पैसे लिया जल्दी। जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। चकर रो बे हाँ। सर यहाँ सुअर चुराने आए। मुझे तो ना दिख रहा है सुअर कहाँ है, किधर है? क्या रे साहब कैसे ड्रामा कर रहे हो? देखने दिया सुअर चुराने आए हैं। आओ साइट को आओ, समझाता हूँ तुम। आओ तू यही गलत है, तू यही साहब गलती हो गई। छोड़ दो साहब, अब कैसे ना आ रहे गाँव जाता है मेरी गाड़ मान लो साहब। आज तो छोड़ लिया तुझे मैं। आगे को मत दिख जाइए काम करता हुआ साहब। इस जंगल की तरफ को तो टांगे करके भी ना सोऊंगा साहब। तुम जैसे लोग तो देश को जो बिगाड़ ना ना साहब छोड़ दो। हाँ ठीक है भाऊ, तुमने कैसे भगा दिया इधर पुलिस वाले को? भाई तू जानता ना पुष्पा राज का कितना राज चले। पुष्पा राज बोले तो पुष्पा भाई पुष्पा। थका दिया मुझे। अरे साहब तुम्हें अगर गांजा मिलेगा तो पुष्पा लैंडी नहीं मिलेगा, पुष्पा लैंडी मिला तो गांजा नहीं मिलेगा। कट्टों में गांजा चरा सफीम और वो भी कट्टों में।
तेरी दुग्गी पिटवाऊंगा जेल में चल के। चल तस्करी कर रहा। अब माल का छुपा रखा तूने। ए पुलिसिये, अगर माल बता दिया तो सेटिंग नहीं देगी। बेटा ऐसे नहीं बताने का तू। नाम क्या बेटा था? पुष्पा। पूरा नाम? पुष्पा लैंडी। बाप का नाम? बाप ही ना तेरा, बाप ही है ना तेरा है? माल कहाँ है पुष्पा लैंडी? माल बता दूंगा, 450 रुपए, एक चौकीदार का मंडल, 2 GB नेट और एक पोर्ट की ब्लूटूथ एयरफोन। और भाऊ मुझे अपने साथ काम पर रखना होगा और मेरी गारंटी है पुलिस तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाए। चल लग जा पुष्पा लैंडी मेरे साथ। रेडी साहब, मेरे गोडाउन के बारे में पुलिस को पता चल गया है, मेरा माल रख लो। ना भैया ना, मैंने रखे तेरा माल, पुलिस को पता चल गया पुलिस गोभी पीट देगी मेरी। ना चला जा भैया, तू लेके जा। रेडी साहब रख लो मेरा माल प्लीज, चाहे मेरी घर वाली। चल भैया रख लो तेरा माल जब तू जबरदस्ती कर रहा है तो। मगर मेरे पास एक आदमी आया है पुष्पा लैंडी नाम है उसका, और जब से वो आया ना तब से मेरा माल पकड़ा नहीं गया है। देखो आ गया। और उसको कह रहे ना इंस्पेक्टर गोविंद का, मार दो उसे। चल बे भोसड़ी के, मैंने मार दिया इंस्पेक्टर को। वैसे तुझे पता भोसड़ी के, उसको मार के पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, तू खुद ही मारेगा। मैंने मार रिया। अरे लुंडिया छोड़, इतना माल पड़ा कोठरी में भरा पड़ा, माल ने भिजवाया रे तुमने? साहब उन्होंने मना कर दिया था हमसे। किसने मना कर दिया था? उन्होंने सर। अच्छा वो किसका फोन आ लिया? हेलो पुष्पा लैंडी, पुलिस को अपने गोदाम के बारे में पता चल गया है, सारा माल जल्दी वहां से उठाओ। ओके ओके भाग, ओके ओके अभी दुबका देता हूँ सारा माल। ओके ये सारा माल दुबका दो। मेरा लंड दुबका गया। भोसड़ी को पक्के सुवर हो, अगर गोंडा रेडी कहता तो एकदम सुन लेते मारी बहन की। मुझे दुकाना पड़ेगा सारा माल। साहब तुमसे पहले ही बोला था, चरस गांजा मिला तो पुष्पा लैंडी नहीं मिलेगा, पुष्पा लैंडी मिला तो चरस गांजा नहीं मिलेगा। अगर भोसड़ी के तेरे साथ माल पकड़ गया तो तेरी गांड छील दूंगा मैं, जिस दिन भी तेरा माल पकड़ा गया साथ में। इंस्पेक्टर साहब दिन में सपने देखने बंद करो और जाओ। इस सपने को सच कर दूंगा मैं। रेडी भाऊ, सीनू हमारे 1 टन के माल के 25 लाख देता और वो चेन्नई में 1.5 करोड़ रुपए का बेचता, उससे बात करो। ना भैया ना, मेरे पास की ना है, मैं देखा गाड़ा पकौड़ी मार देता हूँ। भोसड़ी को बड़े ही बड़े सुअर हो, कुछ बात करनी चाहिए। हाँ
चाल ने सीनू साहब? बढ़िया है। और पुष्पा लैंडी कैसा आना हुआ तेरा? सीनू साहब मैं कह रहा था तुम हमारे एक टन माल के 25 लाख देते हो और चेन्नई में तुम्हारा माल बिकता 1.5 लाख रुपए का, तो कुछ पैसे वैसे बढ़ाओ। सीनू साहब सोच के बता दो। हाँ जी हाँ, चेन्नई तुम्हारा माल पहुंच जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ पुष्पा को क्या मुठ्ठल समझा है, चूतिया समझा है, घोड़ा समझा है? माल चेक करो। अरे भैया कितना बढ़िया माल है, 1.5 करोड़ में डील पक्की। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। हाँ रेड्डी साहब सही है, चलता हूँ। हाँ मैं चेन्नई में था, मैंने डील पक्की कर दी 1.5 करोड़ में। हाँ अगर आपकी मर्जी हो ठीक है, वरना मैं तो माल लेकर आ रही हूँ। चलो ठीक है फिर। साले पुष्पा लेंडी, अपुन से गद्दारी करेगा तू? साले रेडी सुअर, मुझ पे तो तुझपे पहले से ही विश्वास था, तू अपना सुअर पना जरूर दिखाएगा। हेलो, क्या हुआ उसका तेंडे का जिसकी टांग पर कंधे पे टांग रखी थी बीच वाली? अरे हाँ उस तेंडे सुअर को तेने पक्का मार दिया। हाँ सीनू, तूने 5 मिनट लेट फोन करा, तेरा साल अब गया, अब जिंदगी वापसी ना। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो यार, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर न्यू हो और ऐसी वीडियो आगे देखना चाहते हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, दबा दो लाल बटन, ऐसी वीडियो आगे आने वाली हैं। और यार इस वीडियो में शूट करते हुए मेरा फ़ोन टूट गया था, फोल्डर टूट गया था, तो कोई दिक्कत ना। चलो बहुत मेहनत लगी है यार वीडियो में, यार शेयर करो दोस्तों में अपने सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।